देखो 2022 में किया अपनी अलग अलग सेगमेंट की कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उनमें से एक कार है एक्सीड। हालांकि ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसको किया ने सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया था। पर्सनली इस कार का एक्सटीरियर लुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार की लेंथ है 4,395 mm की, जो कि सेल्टोस के मुकाबले 80 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ 1,826 mm की है, जो कि सेल्टोस के मुकाबले 26 mm ज्यादा है। और इसकी हाइट 1,495 mm की है, जो कि सेल्टोस के मुकाबले 150 mm कम है। तो यहाँ पर इस कार की लेंथ और विड्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू किया के सेल्टोस, लेकिन हाइट के मामले में ये किया सेल्टोस के मुकाबले लगभग 150 mm छोटी है। तो ये रहे इसके डायमेंशंस। वही अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो किया कंपनी ने इसके अंदर दो इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और दोनों ही टर्बो इंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। किया कंपनी ने इसके अंदर 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लगभग 118 bhp की पावर आउटपुट और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। और सेम इंजन आपको किया की सोनेट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सीड के अंदर और एक इंजन दिया जाता है, जो कि है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये इंजन लगभग 158 bhp की पावर आउटपुट और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। और ये जो इंजन है ये सेल्टोस के मुकाबले ज्यादा पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एक्सीड के अंदर दिया जाता है। वही अगर मैं इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूँ, इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी हद तक कमाल का है और इसका रोड प्रेजेंस भी काफी हद तक जबरदस्त है। हालांकि एक्सटीरियर से दिखने में ये एक प्रीमियम हैचबैक कार लगती है, लेकिन ये हैचबैक कार नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है। इस कार के एक्सटीरियर में सबसे अट्रैक्टिव जो चीज मुझे लगी वो है इसका लाइटिंग सेटअप। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, हालांकि इसका जो LED DRL है वो आपको पोर्शे की याद दिला देगा, यानी पोर्शे की बहुत सारी कारों के अंदर आपको सेम LED DRL का सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा LED हेडलाइट का सेटअप भी आपको लगभग सेम मिल जाएगा। हालांकि डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन जो अंदर का जो सेटअप है वो आपको पोर्शे की डेफिनेटली याद दिला देगा। वही इसके फ्रंट के ग्रिल्स दो स्लॉट में डिवाइडेड है। इसके जो ऊपर वाले ग्रिल्स है वो आपको सिग्नेचर ग्रिल्स मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ड्यूल टोन बंपर्स मिलेंगे फ्रंट में भी और रियर में भी। वही इसके साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आप इसका साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं। साइड से भी ये दिखने में काफी तक कमाल की लगती है और इसके डायमंड कट अलॉय व्हील का डिजाइन भी काफी तक जबरदस्त है। हालांकि इसका जो स्लोपिंग रूफ लाइन है ये दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। डेफिनेटली इस कार का रोड प्रेजेंस काफी हद तक जबरदस्त रहने वाला है। इसका रियर का फेशिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो LED टेल लाइट का डिजाइन है ये भी काफी हद तक अट्रैक्टिव है और रियर से दिखने में ये काफी हद तक मस्त लगती है। इंटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके इंटीरियर में बहुत ही कमाल के फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि इस कार का इंटीरियर सिंगल टोन कलर के साथ आपको मिल जाएगा और इसके इंटीरियर में काफी जगह पर आपको येलो कलर के स्टिचेस मिलेंगे। इसके अलावा बाकी कलर के स्टिचेस इसके इंटीरियर में दिए हुए हैं, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम टच आ जाता है। और इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के लिए फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, जिसका एंगल ड्राइवर की तरफ है। तो यहाँ पर ड्राइवर भाई के तो मजे होने वाले हैं। इसके अलावा ड्राइवर के लिए फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसके अंदर दिया हुआ है। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर आपको मिल जाएगा। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ भी इसके अंदर दिया जाता है और अच्छे खासे फीचर्स किया की एक्सीड इस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं। किया कंपनी इस कार को 2022 के मिड के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इसकी जो कीमत रहेगी ये टोटली डिपेंड करेगी इसके सेगमेंट के ऊपर, यानी किया कंपनी इस कार को कौन से सेगमेंट में उतारती है। अगर इसको सेल्टोस के ऊपर वाले सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा तो इसकी कीमत सेल्टोस से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगर इसको सेल्टोस से नीचे उतारा जाएगा, लाइक सोनेट के ऊपर इसको रखा जाएगा, तो इसकी कीमत 10-10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।